पूरे झारखंड में एक ही गाछ है, तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं नहीं है, नहीं माने ये तुम दावा करते हो। हाँ बहुत सही। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं बिहार नर्सरी, जो झारखंड में है। सो अभी आपको सारा नर्सरी का, इस नर्सरी का सारा एक दौरा कराएंगे, डिटेल। एक डिटेल में सारा चीज़ आपको समझाएंगे। अभी मेरे साथ दो जन हैं, तो अपना नाम बताएंगे वो आके। एक है समीर कुमार, समीर और एक शुभम है शुभम कुमार। शुभम कुमार। तो सारा डिटेल, तुमको सारा चीज़ पता है यहाँ के हाँ बारे में, तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में जानते हैं, कैसे कैसे नहीं, मेरे को थोड़ा बताओ हर एक प्लांट के बारे में। यही सो सब लेके गाइस, आइएगा। हाँ, सो गाइस, ये रहा पहले आते ही साथ एक शीतला मंदिर का मंदिर है। एंड तो पहले जानते हैं जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, जो मालिक हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में जानते हैं, उनसे पूछते हैं ये कब स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, इसके बारे में डिटेल्स। ये कब स्टार्ट हुआ, पहले अपना नाम बताइए दादाजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शारदा राउत है। शारदा राउत। और ये नर्सरी कब से हो रहा है? ये नर्सरी का हो गया करीबन 100 बरस। 100 बरस हो गया ना। हाँ, तो ये नर्सरी किसने स्टार्ट किया था? हमारे पिताजी हृदय राउत ने। अच्छा। तो पहले फिर आप लोग पूरा दूर दूर तक लेके जाते थे ये सबको ना? हाँ, अच्छा, कहाँ? सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, इधर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, हर अच्छा जगह जाते थे टोकरी अच्छा अच्छा और में लेके बेचने के लिए। अच्छा। दादाजी अभी इसको कौन संभाल रहे हैं सारा? इसका हमारा बड़ा बेटा है ना प्रदीप राउत, अच्छा, वही वही समय। इसका संभाल रहा है। और अच्छा। दूर दूर से अभी, पहले तो टोकरी में गाछ आता था, अब जो है सो आता है ट्रैक में गाछ। अच्छा, दूर दूर से, और दूर दूर तक जाता भी है? हाँ, दूर दूर तक तो जाता है। यहाँ पर फुटकर भी बिकता है अच्छा और होलसेल में भी बिकता है। अच्छा होलसेल में भी होता है ना? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो दादाजी अभी एक बार सारा एक बार सर्वे करते हैं, देखते हैं कौन है। तो मेरे साथ समीर है, सो बताने वाला है मेरे को आज। ठीक है दादाजी, थैंक यू। सो गाइस, ये रहा सारा गाछ नर्सरी का, ये सब है। तो मेरे साथ है अभी, नाम बोलो अपना। समीर कुमार। समीर कुमार। तो यही अभी हमको सारा चीज़ बताएंगे, अभी सारा ये चीज़ फूल बता। का बोगनविलिया इसका नाम है। ये ग्राफ्टिंग बोगनविलिया है और ये 5 कलर का ये खिलता है। कौन सा, ये वाला? हाँ सब अलग अलग खरी ये होता है हाँ ना? 5 कलर में खिलेगा एक ही पौधा में, क्या नाम है इसका? बोगनविलिया। बगान मिल लिया ना। ठीक। हाँ, ये सब सो प्लांट है। सब सो प्लांट है ना, हाँ, इंडोर। और इंडोर के लिए। ये एप्पल का प्लांट। कौन, ये एप्पल का प्लांट है? हाँ, ये एप्पल का है, ग्राफ्टिंग वाला। ये इधर फरता भी है। अच्छा, उसके बाद आगे और? इसके बाद ये जावा का है, हिबिस्कस। हिबिस्कस कौन सा जावा का है? ये पूना वैरायटी का है। अच्छा, और ये टिकोमा है, ड्वार्फ वाला, घर में पूजा करने के लिए बहुत खिलता है ये। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद इधर सब्जी में होगा, ये पपीता का पौधा है। पूरा पपीता है, फिर वो कौन सा है? ये ककड़ी का है, सब्जी में ककड़ी आता है, वही है। ककड़ी है, और कौन कौन सा है ये इधर सब? सब पपीता का, ये पपीता का अभी बिक्री ज्यादा होता है गर्मी में। ये सब सब पपीता है, वो भी पपीता है। हाँ, चलो ये सब ही है, चलो यहाँ सब निकलते हैं। और ये रंगन का है, ये कौन सा है? रंगन का। रंगन ना, हाँ, पूरा मस्त खिलता है गोल ये वो ऐसे। अगेन पपीता है, सारा वही है। ये तरबूज है, कौन सा तरबूज है? ये। ये वाली तरबूज है, हाँ ये तरबूज, ये पपीता, अरे ये सो वाली गाछ है ना? ठीक। पपीता ज्यादा है, ये सब सब सो का गाछ है, सो प्लांट, सो प्लांट, इंडोर। इंडोर ये भी पपीता, पपीता, सब उधर सो प्लांट है। वो वाला सो का, सब सो का है ना? हाँ, उधर रही है करोटन। इकरोटन। और ये है इलायची का गाछ, जो ये इलायची हम लोग खाते हैं। हाँ, जो इलायची खाते हैं उसकी गाछ देख लो गाइस, ऐसी होती है। और ये सब सब सो, हाँ, वो भी करोटन है, मिनी करोटन। मिनी करोटन। सो गाइस, मिनी करोटन।
और ये है आंवला का, ये आंवला वाले गाछ है ना। हाँ। ये आंवला की गाछ है गाइस। और वो है जो हम लोग खाते है गोलमरीच, जीरा मरीच, वही है काला मिर्च, काला मिर्च का ना। अब वो रबर प्लांट जो हम लोग का रबर बनता है, वो वाली रबर प्लांट है। और ये वाली अमरूद नहीं, ये तो? वाला महगुनी का है। महगुनी हाँ, लकड़ी होता है इसका दाम बहुत है लकड़ी का। अच्छा। और ये वाली शो, ये शो प्लांट हाँ। इसका नाम है कोरा पांडव। कोरा पांडव हाँ। ये वाली, ये एलोवेरा हाँ। एलोवेरा, ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता एलोवेरा। ये वाली, ये वाला सीजन वाला फूल है, सीजन का फूल। ये वाली, ये वाला भी वही महगुनी है, महगुनी हाँ। तो ऑलमोस्ट सारी प्लांट हम लोग कवर कर रहे हैं फ्रेंड, जितना है यहाँ पे, क्योंकि ये नर्सरी है, यहाँ पे खेती होती है एंड सबको भेजा, दूर दूर तक भेजा जाता है सभी को। ये अमरूद की, यहाँ पर एक गुलाब का पौधा, ये सब गुलाब का पौधा है, एकदम लास्ट तक है, रात से थोड़े से पहले यहाँ तक है। ये भी गुलाब के पौधे हैं, ये अमरूद के है ना हाँ, ये पूरा लास्ट अमरूद। कौन से नींबू का है, कागजी नींबू है जो, ये कागजी नींबू का लास्ट है तक है फ्रेंड। देखो ये कितने सारे हैं, ये जो हम लोग बाजार में खरीदते हैं हाँ, वो शो प्लांट के लिए ना हाँ। और ये बेली का जो सेंटेड आता है, इससे परफ्यूम वर्फ्यूम बनता है। सेंट आ रही है फ्रेंड। और ये गर्मी का गेंदा गाछ है, ये गर्मी का गेंदा गाछ है। इधर आम है, ये आम है, ये अमरूद, अमरूद, ये अमरूद का गाछ है सारा। सब में फल आ गया, छोटा में ही एक अभी भी फल आ गया है, बहुत फल आया। उसके बाद, इसके बाद ये पूरे आम के गाछ है ना हाँ। ये आम का भी ज्यादा होता है गर्मी में, मालदा है, अमरपाली है, सब आम इसी में, ये सब आम अमरूद, क्योंकि अभी सीजन आम और अमरूद के चल रहे हैं ना हाँ, इस फल का सीजन चल रहा है, तो अभी सभी उसी के गाछ है ज्यादा ज्यादा ज्यादा, शुरू हो जाता है इसका सीजन। ये भी अमरूद। और ये है लीची का प्लांट, ये लीची का प्लांट है गाइस, इसमें भी किसी किसी में फल आ गया है, ये पूरा लीची का प्लांट है गाइस। और ये चीकू, चीकू हाँ? अच्छा, ये चीकू का प्लांट है गाइस। और ये है बरमतिया आम, साल में तीन बार फलता है। ये कौन सा, ये बरमतिया, ये साल में तीन बार फलता है, अभी इसमें मंजर आया है, अभी हां आ चुका है, तब ये साल में तीन बार अभी पूरा होगा ना हाँ। ये मोर पंख जो हम लोग गेट के पास लगाते हैं हाँ, ये शो के लिए रहता है हाँ, गेट के पास अच्छा से होता है, इससे मच्छर उच्छर कीड़ा भी नहीं आता है। उसके बाद ये अमरूद, अमरूद का ही है, अमरूद, अमरूद, आम, आम, आम का अभी तो वैरायटी है, बहुत सारा वैरायटी है ना अमरूद आम का। वो उधर अभी फिर और भी हो रहा है ना, इधर ये भी रबर प्लांट ड्वार्फ वाला है। और देखिए ये वाला मोर पंखी जाल इसी तरह बड़ा जैसा होगा, मस्त लगेगा, गोल होता है। और ये रोज का हाँ, गुलाब का है। और ये आम का पूरा है ना हाँ। और ये वाली, ये केला की है हाँ। ये नारियल का, ये नारियल ना हाँ। और ये सो के लिए, पाम का गाछ है, पाम, पाम शो के लिए हाँ। बहुत ज्यादा बड़ा बगान है गाइस। और ये तूत का गाछ है, इसका फल होता है तूत, ये तूत का है ना हाँ। कौन सा तूत, इसको ये वाली, पहले पकता है, पहले फलता है तो हरा रहता है हाँ। फिर लाल, उसके बाद पकने के बाद काला हो जाता है, वाह लंबा लंबा वैरायटी है। तो समीर को सारा पता है गाइस। और ये अशोक ट्री है, ये अशोक ट्री ना हाँ। अच्छा, ये आम का तो पता ही है हाँ। बाकी सब वो है, वो वाली फॉक्सटेल पाम है, ये लोमड़ी का पूंछ जैसा इसका है पत्ता। अच्छा, ये शो के लिए रहता है क्या हाँ। इसमें फल सुपारी जैसा होता है लाल लाल अच्छा। इसका बड़ा गाछ भी दिखा देंगे। अच्छा, और ये बम्बू का है, बांस का, कौन सा, ये वाली ना हाँ, वो तो है। ये सब शो की है, ये सब शो की हाँ। है ना, ये भी शो का है हाँ। ये मिली है फूल का, मिली है ना, इसका नाम मिली है, कांटा वाला, बहुत कलर का आता है। अच्छा, और ये बरमसिया आम में बड़ा गाछ है, बरमसिया आम का बड़ा गाछ है हाँ। ना अच्छा, तभी होगा, बारह मास देगा ना हाँ। साल में तीन बार होता है, तीन। अच्छा, और ये गोल्डन झा, ये गोल्डन झा हाँ, वो मोर पंखी झाव है, ये गोल्डन झा है। अच्छा,
ये वाली किस चीज की है? वही मिली का है, अलग अलग कलर पौधे तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, और ये देसी गुलाब है सब व्हाइट कलर का। तो इतने सारे सारे के सारे चीज वहाँ बगनविलिया में और कलर है। अच्छा अच्छा ये वाली अलग अलग है। ये केलेंचू का गाछ है, ये छोटी वाली लाल वाली। हाँ, ये इसका नाम है बेगुनिया। अच्छा, और केलेंचू का ये है। ये केलेंचू है। हाँ। अच्छा, ये वाली, ये सब मतलब वही सो प्लांट में, सो प्लांट में आता है ना सारा। और ये तेज पत्ता का गाछ, ये हम लोग सुखा के करते हैं। हाँ, ये तेज पत्ता लिप्स भी वैसे ही है, तेज पत्ता जैसी है। और इसका सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम है। किसका? उसका। इसका सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम है। हाँ। वाओ। और ये लीची बड़ा गाछ है, फला हुआ। देखो लीची है इसमें अभी भी, बाकी शो का प्लांट है। समीर, लगभग तुमको तो सारा का पता है ना। हाँ, और ये रेड गुआवा है। रेड गो? अच्छा, लाल अमरूद ना। हाँ। उसका गाछ है ना ये। वाह, ऑलमोस्ट सभी, समीर को सभी के सभी गाछों के नाम पता है। और ये है जो हम लोग क्रिसमस में ट्री लाते हैं, ये क्रिसमस ट्री है ना ये। हाँ, ये छोटा है अभी। क्रिसमस ट्री के गाछ देखो गाइस, पूरा का पूरा एकदम लास्ट तक है। इसको अर्केरिया कुकी भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? अर्केरिया कुकी भी है इसका, अर्केरिया कुकी ना। और ये रंगन का गाछ है जो बड़ा वाला वहाँ दिखाए थे। क्या नाम है इसका? रंगन। रंगन उसका बड़ा गाछ था ना वो। हाँ, वो बेगन भुलिया है कटिंग वाला। और उधर अनार का है, वो वाला अनार का है ना। हाँ। ये वाली अनार का गाछ है ना। हाँ। ये पूरा अनार के गाछ है। उधर से आइए, यहाँ पर हिबिस्कस का कलर में बहुत सारा है, ये देखिए। ये क्या नाम है इसका? हिबिस्कस। हिबिस्कस जिसको जावा भी बोलते हैं। अच्छा, जावा भी बोलते हैं ना। और ये अनार वाला है, इसमें फल भी आ गया है, फल आ गया अनार में। वो वाली किस चीज की है? ये लालटेन जावा ना। खिला नहीं है, खिलने से पूरा लालटेन जैसा ही लगता है। अच्छा, इसका बड़ा का सब खत्म हो गया। उधर कैक्टस का है। कौन सा? वो वाली कैक्टस की हम दिखाते हैं वहां। छोटे वाली अभी शो, ये सब कैक्टस, छोटे वाले अभी कैक्टस है, ये फिर बड़ी हो जाएंगे ना। हाँ। और दिखाते हैं, शिवलिंग की तरह भी है। अच्छा, ये कैक्टस बहुत प्रकार का इसमें आता है, तो रेड में ग्रीन का है। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट ये अलग अलग वैरायटीज अलग अलग तरीके में आते हैं ना। ये और भी पुना जावा वैरायटी का है, अलग अलग कलर का वैरायटीज है ना, बहुत सारे वैरायटीज है इसमें। इसमें डबल फूल खिलते हैं, इसमें डबल फूल खिलते हैं ना। एक एक प्लांट में डबल फूल नहीं, मतलब एक एक फ्लावर है इसके अंदर एक और फ्लावर खिलते हैं इसमें। अच्छा, वो साइड में है, वो अभी खिले नहीं है, खिले हुए सब ले गए कस्टमर। अच्छा, अलग कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं ये सब। अरे ये कौन सा है? यहाँ तक है। और एक ये प्लांट है, ये कौन सा है? इसका नाम है गुलमार। गुलमार ना। हाँ, और ये शुगर के लिए है, शुगर पेशेंट के लिए। शुगर पेशेंट के लिए। हाँ, ये दो पत्ता रोज खाएंगे, शुगर कंट्रोल रहेगा। अच्छा, और ये? और ये है कामिनी का गाछ, टेबल कामिनी। टेबल कामिनी यहाँ तक लास्ट तक है। और एक तो ये है, रोज खाए वैरायटी में आता है, रोज जैसा ही खिलता है, नया ही लैब में बन के आया ये। अच्छा। सब बिक गया जो खिला हुआ था। अच्छा, पूरा रोज ही लगेगा, लेकिन उसमें कांटा एक भी नहीं है पौधा में। अच्छा, न्यू डिजाइन किया गया है ना। इसके अंदर आइए, शो प्लांट है। शो प्लांट सब है ना ये। हाँ, सब ये मनी प्लांट है, देखिए ये मनी प्लांट। ये शो प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है? शो प्लांट ही है। इसे ये सब शो प्लांट है ना। इधर आइए और दिखाते हैं। तो समीर आज हम लोग को सारा का सारा दिखा रहे हैं। करोटन का है, करोटन देन। और ये वाला स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर ना। हाँ। एंड ये सिमोनियम। अच्छा, और ये वही स्लो में ये सब। भाई इसे सारा का सारा बता मेरे को किसी चीज का प्लांट के बारे में। ये ग्रीन क्या है? ये सीड,
ग्रीन शेड है ना, इसमें क्या किया जाता है, सारे को रखा जाता है ना, छोटा पौधा होता है लैब से बन के, हाँ वो इसमें रहता है ना, इसमें तैयार करके रखता है तब यहाँ से निकलता है बाहर। अच्छा वाह। और ये जेड प्लांट है। कौन सा जेड प्लांट है? ये जेड प्लांट है ना। हाँ अच्छा ऑलमोस्ट। अच्छा समीर कब से कर रहे हो ये सब? कब से ये सब? तो दादाजी का पापा ही कर रहे हैं। नहीं नहीं तुम कब से कर रहे हो? कि तुमको सारा चीज के बारे में नॉलेज है? हम हाँ हम वही 10-12 साल से। 10-12 साल से कर रहे हो? वाह मैंने बहुत छोटे से 10 साल से हम कर रहे हैं, मतलब जब मेरा 10 साल हुआ तब से। अच्छा। तो समझ हुआ तब से कर रहा है। अच्छा ये स्पाइडर प्लांट है, उसमें नया नया गाछ, उसका मतलब जो बेबी प्लांट है वो सब यहाँ तैयार हो रहे हैं। अच्छा। और रूट इसमें फेंक रहे हैं। अभी तुम्हारा कितना एज है? मेरा अभी है 14। 14 मैंने अभी, और 4 साल से तुम इससे सब सबके बारे में सब... पहले से ही कर रहे हैं, जब से कर रहे हैं तो देख देख के सीख जाते हैं। अच्छा देख देख के सीख जाता है ना। और ये मनी प्लांट है ज्यादा, ये अच्छा है, इसका नाम है मार्बल क्वीन। इसका नाम है मार्बल क्वीन, ये भी एक मनी प्लांट है ना। हाँ ये ज्यादा अच्छा है, सब ज्यादा यही खोजते हैं। अच्छा उसके बाद ये सब सब सो के लिए ना। हाँ। सब सो के लिए, इधर भी सो के लिए। ये भी शेड है और ये है बम्बू ट्री। ये सब ये वाला घर में लकी माना जाता है, सब लगाते हैं। कौन सा? ये बम्बू ट्री है। हाँ। ये डिफरेंट बम्बू ट्री है ना। हाँ। एक आता है एक अलग से आता है, ये अलग है ना। हाँ एक वाटर वाला भी आता है। हाँ और ये वाला लकी है, घर में रखना चाहिए। अच्छा ये बम्बू ट्री अलग बम्बू ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये सब अच्छा अच्छा सो के लिए ना। और वो जो है उसका नाम है पीस लिली। किसका नाम है? उसका नाम है पीस लिली। ये होता फूल गिरता है व्हाइट कलर का, एकदम स्नेक जैसा, जिस तरह स्नेक इस तरह रहता है। अच्छा तो अभी खिल रहा है ये। अच्छा समीर बहुत सही, बस तुमको सारे के नॉलेज है ना समीर। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो रेड वाला है ये वाला भी सो के लिए। हाँ। अच्छा समीर हमको एक बार थोड़ा बताना कि कैसे लगाया जाता है, क्या क्या डाला जाता है, थोड़ा उसके बारे में थोड़े से हल्का सा डेमो बताना। ठीक है बता देना कि कैसे लगाते हैं, क्योंकि सारा सब्सक्राइबर लोग फिर क्या करेगा अपने अपने घर पे अच्छे से लगाएगा। जिसको हाँ जिसको बारे में जिसको पता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा भी एक बता देगा कि कैसे लगाया कैसे नहीं लगाया जाता, क्या क्या दिया जाता है नहीं दिया जाता है वो सब बता देगा, क्या दिया जाता नहीं दिया जाता। ये गोल मरीच का ही है, छोटा गाछ, इसको हम लोग बेचते हैं। ये गोल मरीच है ना। हाँ, ये छोटा पैकेट में हम लोग बेचते हैं। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट है गाइस, ये पूरा ऑलमोस्ट कितने कट्टे में है? ये 13 से 14 कट्टे में है। 13 से 14 कट्टा में पूरा ये पूरा एकदम लास्ट तक है। चलो ठीक समीर। और ये है लेमन ग्रास, माथा उठा दर्द करता है या कोई बीमारी होने तो यही वाला ग्रास देके चाय बनाते हैं, चाय पत्ती देके। अच्छा सेंट बहुत अच्छा आता है। ऑलमोस्ट यहां पर ये देसी जावा जो हम लोग घर में लगाते हैं, रेगुलर जो रहता है, व्हाइट कलर का रेड कलर का खिलता है, देखिए खिला हुआ है। और यहाँ पर ये अंगूर जो हम लोग बाजार में खाते हैं, अंगूर का है। हाँ पहले तो यही नहीं आता था, यहाँ पर लैब में तैयार किया हुआ आता है। छोटा छोटा आ गया ना में आ गया। हाँ छोटा छोटा भी आ रहा है। सब तैयार हो जाएंगे। बहुत सही। अरे एक डॉगी है तुम्हारा जो सो रहा है ना। हाँ। क्या नाम है उसका? टॉमी उसका नाम है। इसका नाम है टाइगर। एक का नाम है टॉमी और एक का नाम है टॉमी जो सो रहा है, और एक का नाम है टाइगर जो सो रहा है। हाँ। घर में अगर जो चोर आ जाएगा तो तुम क्या करेगा? ऐसे सोते हुए रहेगा? हाँ ऐसे सोते हुए रहेगा अगर जो चोर आ गया तो? क्या ऐसे सोते रहेगा? हाँ ऐसे ऐसे करेगा। चलो ठीक तुम सुतो। तो इसको रखा गया है ये सारे बगानी का रखवाली करने के लिए, रात का कोई चोर उर ना आ जाए तो चोर के लिए ये टाइगर। और इधर है हम लोग का बोनसाई प्लांट। चलो एक बोनसाई प्लांट है ना, बोनसाई बोनसाई है ना। 10-12 साल इसी में रहता है यही पॉट में। अच्छा ये दिखाते पीपल का, तो ये ज्यादा बढ़ता नहीं है ना? नहीं। अच्छा ना ना छोड़ उठा उतना नहीं। ये पीपल का है ना, देखिए कितना मोटा मोटा है। अच्छा ये सब, और जो फॉक्सटेल पाम हम लोग बोले थे दिखाएंगे, देखिए यही वाला है। ये इधर आइए, फल पका हुआ भी है और कच्चा भी है। ये कौन सा गाछ है? फॉक्सटेल पाम। फॉक्सटेल पाम हाँ। उसके बाद और इधर हम लोग ये पत्थर चूर का गाछ,
ये वाला किसी को पथरी का बीमारी हो जाता है ना, तो ये वाला पत्ता खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और आयुर्वेदिक का भी यहाँ दवाई ज्यादा मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑलमोस्ट इसको सभी का आम का, आम का तो बहुत सारे गाछ है, एक यहाँ, एक दो तीन चार पांच, फिर बाहर में एक छह, कटहल का भी दो तीन है यहाँ पे। ये शनि महाराज जो हम लोग पूजा करते हैं, दोस्त कटाते हैं। ये एक शनि का ना। हाँ, ये आदमी ज्यादा खुशते हैं पूजा करने के लिए, इसीलिए ज्यादा मंगाते हैं ये पौधा। अच्छा, शनि का ये। और ये हिंदू धर्म में ज्यादा माना जाता है। अच्छा, ये कटहल का ही नहीं दिखाए थे, कौन सा कटहल है? ये कटहल है। अच्छा, ये कटहल कलम वाला है। सब ग्राफ्टिंग आता है कलम। और ये मुंडा बेल, ये वाला छत पे गमला में जो लगाएंगे उनके लिए बेस्ट है ये। और यहाँ पर हम लोग अपना लगाए लोटस का प्लांट। लोटस? हाँ। अच्छा, ये देखिए पिंक कलर का खिलेगा, ये तो लोटस है ना। हाँ, और वो व्हाइट कलर का, और वो है व्हाइट लोटस है ना। नहीं, वो है येलो लोटस। ये येलो लोटस है ना। हाँ, तालाब जैसा हम लोग बनाए छोटा सा। अच्छा, ये पूरा इसका खेती होता है इसमें ना। हाँ, और कलर का भी आता है लेकिन अभी खिला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बरसात में ज्यादा खिलते है। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी प्लांट है। कौन सा? ये स्ट्रॉबेरी प्लांट है ना। हाँ, इसका फल भी अभी हो चुका है। ये ठंडा में ज्यादा होता है। अच्छा, का खेती होता है स्ट्रॉबेरी। दो ठो है ना अभी? हाँ, अभी दो ठो बचा हुआ है, मदर प्लांट है ये तो, बाकी सब बिक गया ना। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। सब बताओ ये क्या है? ये सागवान का प्लांट है। ये सागवान का ना, छोटा छोटा सब प्लांट है ना, इसको रोपा जाता है ना? नहीं, ये बाहर जाता है, आसाम से आता है इसका रूट। अच्छा, दिखाते हैं ये गाछ, मतलब ये जो है ये रूट इस तरह आता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसको माटी में पैकेट में लगा देते हैं। उसके बाद जो होता है ना नारा, जिसको हम लोग कुट्टी बोलते हैं, उससे पूरा ढक देते हैं और पानी देते हैं। अच्छा, उसके बाद दो तीन सप्ताह बाद इसमें से पत्ता निकल जाता है, देखिए। अच्छा, बहुत सारा मर भी जाता है, बहुत सारा बचता भी है। तो ये सब सागवान है ना? हाँ, सब सागवान छोटा छोटा गाछ है ना ये। हाँ, ये कहाँ से आता है? आसाम ना। हाँ, आसाम से इसका रूट आता। इसका बड़े वाला गाछ कौन सा है? ये है ना। हाँ, ये सब हम लोग लगाए। ये बड़ा वाला गाछ है, ये इतना ऊपर जाता है, ये माने पूरा बड़ा होता तो इतना बड़ा होता है ना। इसका दाम भी बहुत है। अच्छा, और ये जो इसका पौधा है ना, बहुत दाम में बिकता है। अच्छा 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 अच्छा, ये सबसे बड़ा है ना। हाँ, और ऑलमोस्ट तुम्हारे पास ये पूरा है ना, वो लास्ट तक है क्या? इसका बीज से भी तैयार होता है, लेकिन वो वाला ना पूरा तैयार होने में 30-40 से 50 साल लग जाता है। बड़े जो हम लोग रूट से बनाते हैं। हाँ? वो 20-25 साल में ही तैयार हो जाता है पूरा एकदम। अच्छा, एकदम एकदम ऐसा, एकदम ऐसा। ये मोटा है, नीचे में दिखा दीजिए। अच्छा, ये एकदम ऐसा ना, ये तैयार हो गया पूरा 20-25 साल में ना। इसके बाद इसका कटिंग भी होता है, जो इसका नया निकलता है। अच्छा, डाल उसका कटिंग कीजिएगा तो और मोटा होगा और अच्छा होगा। अच्छा, इससे पलंग उलंग भी बनता है, बैट, ये सब लकड़ी का चीज। अच्छा, सागवान ना। और एक तो दिखाते हैं, उसका नाम है मलेशियन सखुआ, उससे बंदूक बनता है, जो AK-47 ये सब, जो उसका आगे तरफ रहता है, पीछे तरफ जो नहीं रहता है। हाँ हाँ हाँ, वही वाला। अच्छा, जो बंदूक में माने जो लकड़ी लगती है ना। अच्छा, पहले आपको दिखा देते हैं प्लान में, वही है ये मलेशियन सखुआ। ये है मलेशियन सखुआ। ये मलेशियन सखुआ ना, इसको साल भी बोला जाता है। अच्छा, ये वाली ना। हाँ, बहुत बड़ा गाछ है ये मलेशियन सखुआ है गाइस। इससे जितने राइफल्स बनती है उसमें जो लकड़ी लगती है ना, तो वो इसकी लगती है ये। हाँ, गाछ की ये एक ही है ना। हाँ, ये दो प्लांट, यहाँ पर बहुत प्लांट छोटा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बाकी सब सागवान का ये सब है ना। हाँ, चलो ये सब अभी निकल रहा है। एक और तुमने बताया था जो तुम्हारे पास, और पूरे झारखंड में एक ही गाछ है। हाँ, तुम्हारे झारखंड में एक ही गाछ है जो। हाँ, तुम्हारे पास है। हाँ, और किसी के पास नहीं, नहीं है। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है भोजपत्तर। भोजपत्तर पूरे झारखंड में एक ही है। हाँ, ये प्लांट है पूरे झारखंड में गाइस, यही एक प्लांट है भोजपत्तर। इसका क्या क्या है, क्या क्या, कैसे क्या होता है बताओ थोड़ा। ये वाला रुपया आपको दिखाते हैं निकाल के। ये देखिए। अच्छा, का निकलता है। इसमें पुराना जमाना में राजा महाराजा इसमें लिखते थे संदेश। अच्छा, और इसमें जो पंडित होते हैं
मुनि मंत्री सब ये सब इसमें ताबीज उबीज बनाते हैं। अच्छा, और ये बाहर में भी दुकानों में मिलती है ना, तो कितना कॉस्ट रहता है उसका? ये पूजा में भी आता है। अच्छा, ये इतना बड़ा देगा और 5 रुपया लेगा इसका। अच्छा अच्छा, अगर कोई भी दुकान जाइएगा वहाँ पर मिल जाएगा 5 रुपया में ये। अच्छा, ऑलमोस्ट मतलब ये पूरे झारखंड में एक ही गाछ है तुम्हारे पास और किसी के पास नहीं, माने ये तुम दावा करते हो? बहुत सही, ये मतलब एक ही है गाछ पूरे। ये न्यूज़ में भी ये गया था खबर। अच्छा, कि पूरे झारखंड में यहाँ एक ही है? अच्छा, एक ही है ना? हाँ। नहीं नहीं सही सही, अरे सबको संभाल के रखना भी, क्योंकि ये एक एक इसका हम लोग पौधा बनाने चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, इसका इसका एक पौधा बनाने के लिए ना, कि फिर ये और भी हो ज्यादा से ज्यादा हो सके, मिले इसका कम दाम हो। अच्छा, इसका छोटा ही टुकड़ा का दाम है 5 रुपया। अच्छा, तो गाछ का कितना होगा ना? नहीं 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 एकदम सही सही सही, बहुत सही। ये क्या तुम निकाल रहे हैं? ये बर्मी कंपोस्ट है। ये बर्मी कंपोस्ट है ना? ये बाहर से किसान बना के बेचते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये बर्मी कंपोस्ट है ना? अच्छा, पर अभी तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो इसको? हम अभी अंगूर का गाछ लगाएंगे। अरे अभी अंगूर का गाछ तुम लगाया जाता है वो बताएंगे। अच्छा चलो, तो समीर तुमने क्या क्या लिया वो बताओ। मैंने लिया एक गमला प्लास्टिक का। अच्छा, आप प्लास्टिक का कोई भी पैकेट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ गमला का यूज किया है और एक अंगूर का पौधा है और यहाँ बर्मी कम्पोस्ट लिए है। अच्छा, ये बर्मी कम्पोस्ट है ना? और बर्मी कम्पोस्ट में तो फिर जनरली घर में भी मिल सकता है, गोबर सुखा हुआ जो है। अच्छा, वो भी यूज में ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा ठीक, और ये माटी है जो पीला वाला जो हम लोग का जनरल घर में होता है। हाँ, वही वाला है। और हम यहाँ पर गाछ लगा रहे हैं, पहले इसमें देना होगा जो गिट्टी पत्थर जो होता है। अच्छा, उसमें देना होगा। अच्छा, दिखा देते हैं, जिससे पानी नहीं निकले। पत्थर इसमें दे दिए तो इसमें जाम हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें माटी जाम नहीं होगा। अच्छा, पानी अच्छा से पार होगा। अब हम इसको माटी और वर्मी कंपोस्ट को हम मिला लेते हैं। अच्छा चलो, अच्छे तरह से तुम मिला लिया ना? हाँ, आधा माटी देना, आधा गोबर या वर्मी कंपोस्ट जो आपके पास है। अच्छा, और इसका पैकेट को हम निकाल लेंगे। अच्छा, मैं जो तुम्हारे यहाँ से लेके जाएगा जो पैकेट में रहता है उसको निकाल लिया जाता है। हाँ। अच्छा, इस तरह करके निकाल लेना, इसका मट्टी नहीं फूटना देना, क्योंकि इसमें जड़ बाउंड किया हुआ है पूरा। अच्छा, जड़ फूट जाएगा तो फिर इसका मरने का चांस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा माटी देना है। एकदम, माटी देने के बाद इसको यहीं तक लगाना है जहाँ तक इसका माटी है। अच्छा, या चारों तरफ इसका माटी भर देना है, पतला पतला माटी। अच्छा, तो आज समीर हम लोग को बताए हैं, जो नहीं जानते गाछ लगाने उसके लिए ये पूरा डिटेल में बताए हैं कि कैसे लगाया जाता है। और ये अंगूर का पौधा लग गया है। अब ये अंगूर का पौधा, ये अंगूर का गाइस है, अंगूर का पौधा भी इसमें फल भी दे चुका है थोड़ा थोड़ा ना, छोटा छोटा। अच्छा, ये और इसमें अब पानी देने की बारी है, जब लगाएंगे तभी साथ में पानी देना। अब जब लगा दिए हैं तो तुरंत ही पानी इसमें देना है ना? हाँ। जो भी रेगुलर यूज करते हैं पानी। हाँ, जो कोई भी पानी, अच्छा पानी इसमें दे देना है, पानी पूरा भर के इसमें दे देना है। अच्छा, उसके बाद मैंने दे दिया पानी। अच्छा, अब इसमें अगर फल जिस तरह है तो इसमें कोई भी स्प्रे करना होगा। अच्छा, ये एक स्प्रे आती है ना? हाँ, जिस तरह इसमें फूल दिया है ना। अच्छा, तब स्प्रे करना होगा, जिस तरह की ये ग्रीन डाइट। अच्छा, ग्रीन डाइट एक आता है स्प्रे आता है ना, इफको कंपनी का। अच्छा, इफको कंपनी का। हाँ। तुम लोग यूज करते हो इफको कंपनी का? हाँ। ना ग्रीन डाइट ना। हाँ, अगर ये भी नहीं मिला। अच्छा, इससे क्या होता है, ये स्प्रे करने से क्या होता है? ये प्लांट को अच्छा मोटा करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर इसका जो फल है उसको फलने देगा अच्छा से। अच्छा, और कीड़ा लगने नहीं देगा ना। अच्छा, तो उसके लिए ये अलग से इसको स्प्रे करना पड़ता है। कितना दिन क्या करना, कैसे? एक दिन में एक बार स्प्रे करने से हो जाता है? 15 दिन में इसको स्प्रे करना होगा। अच्छा, 15 दिन में एक बार स्प्रे करना पड़ता है इसको ना। हाँ। इसको रखेंगे क्या, धूप में रखेंगे कि ऐसे ग्रीन? इसको धूप में ही रखेंगे। धूप में ही रखना है ना, लगा के कोई भी पौधा को धूप में लगाना। अच्छा, पौधा जब भी लगाना है तो शाम को लगाना है। अच्छा, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, जब भी पौधा लगाओ तो शाम में ही लगाओ। इससे क्या होता है कि थोड़ा हीट अच्छा रहता है ना, हीट नहीं लगता है, ज्यादा हीट नहीं लगता। ठीक, जहाँ जिधर धूप रहेगा
सीधा में ही रखिएगा, जिधर धूप रहेगा सन कार्य आएगा, नहीं तो उधर ही मुड़ जाएगा ये। अच्छा, जिधर सन कार्य आएगा उधर ही चल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये सनलाइट के पास। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट एक बात तुमने बताई है। ठीक ठीक है, ठीक है समीर, बहुत अच्छा, थैंक यू समीर तुम बताने के लिए इस चीज़ को, पूरा चीज़ डिटेल को। जिसको नहीं आता है, समीर का ये वीडियो देखो और प्लांट लगाओ, और जब भी लगाना है वो शाम में लगाना है प्लांट को, और जब भी रखना है तो रे के सामने रखना है ना। हाँ। समीर, ओके समीर, थैंक यू। और भी देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू समीर, और कमेंट। और एक समीर एक बात बताओ, किसी को अगर जो यहाँ से कुछ भी, जितना भी पौधे हम लोग जो दिखाए हैं, हाँ। ये पौधे को अगर जो लेना हो, क्या पौधा रिटेल और ये होलसेल में भी देते हो ना यहाँ पे, जैसे दादाजी बताए? एड्रेस का जो सीढ़ी में उतर जाना है, हाँ? उसके बाद फिर कोई भी गाड़ी को बोलना है, बसवाड़ी बिहार नर्सरी आ जाना है, हाँ? उसके बाद आके यहाँ पर बात कर लेना है। अच्छा, तो इन बिहार नर्सरी सभी को पता है? हाँ। जसीडी मतलब यहाँ का जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है जसीडी ना। हाँ, जसीडी। तो आपको यहाँ पे लेना है, तो अगर जो आप सामने हो तो एक बार बिहार नर्सरी जसीडी उतर के बिहार नर्सरी आ जाना, और ये मैप में भी अवेलेबल है बिहार नर्सरी। ठीक 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 ठीक, ओके समीर, चलो, थैंक यू समीर।